बटर एंड बटर के किचन में खुश आमदीद। जनाब पार्टी टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको दिखाएंगे आज क्या कुछ हो रहा है हमारे किचन के अंदर। फुल क्यारियाँ श्यारियाँ चल रही हैं, ये जनाब कोई 15-20 लोग आए हुए, आपको दिखाते हैं, इंजॉयमेंट करवाते हैं और मज़े करवाते हैं। ये देखें जी समोसे चल रहे हैं, कच्चे समोसे, फिर पुलाव, और ये पार्टी चल रही है, सारे आए हुए, सारे ये कौन है भैया, हेलो करें, अब्दुल्ला नाम है उनका, ये मेरा बेटा है अनी, हाजिर आ जाए, हेलो, हाय, जबरदस्त भाई हाय बोल दी। ये जनाब हमारी नानी बच्चों की, मेरी तो सास है, नानी नानी ने ये गिफ्ट किया है आयशा भट्ट को। आयशा भट्ट कैसा लगा आपको ये नानी ने तोहफा दिया है जी शादी पे? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये क्या है, ये कान वाला बाबा सर ऐसे, ये नानी का अपना है भाई, ये नहीं दे रही है, कह रही है तो मैं अपने लाई हूँ, सब कुछ दे दूंगा क्या? ओ हो हो नानी, ये तो इससे मैच हो रहा है, ओ हो 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 ओ नानी की चीज़ें देख रहा था, फुल लक्ष्मी नानी लगी हैं, नानी नानी नहीं लगेगी और नाजिन ये नानी लगेंगे इसको पहन के। क्यों भाई क्या कहती हैं आप, क्या कहती हैं आपके क्या ख्याल है, कैमरे में शर्म आती है आपको, बोले कुछ राय दें अपनी आप, नानी कैसी लगेगी पहन के? टीवी इंटरव्यू में थोड़ी आई हूं, बहुत अच्छी लगेगी देखिए जी, चले जी ये नानी पहनेगी तो कहते हैं नानी का आप फैशन देखें, देखिए क्रीम इतनी एक्साइटमेंट, क्रीम पाउडर, आयशा भट्ट के घर में आई है तब भी अपना मेकअप छुपा के लाई, तू बेटी किसकी है, ये है नानी, देखो नानी क्या कह रही है, नानी मरेगी क्या, ओए ओए नानी का फैशन तो देखेगा, केचर ऐसा मैंने भी नहीं खरीदा रो, नानी क्या बात है आप, सुपर डुपर अच्छो मैक्स और पीसीओ, तो आपको पता है आप किसके घर में आई हैं, आपको तो मेकअप की कमी नहीं होनी, पर मेरे घर में ओए 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 नानी क्या बेसिस लाई हैं आप, न्यूट की हो माय गॉड, और नाजिन नानी की, नानी की आप ज्वेलरी चेक करें, नानी की सुपर डुपर ज्वेलरी पकड़ी गई है नानी, इसका एक बुंदा नहीं है, नानी किससे पहनेगी, वलीमे में निकाह में तो आप गोल्ड पहन रही है, सूट देखो आप परेशान हो जाओगे, नानी की शॉपिंग दिखाएं, शॉपिंग तो तुम्हारी तरह सूट लग रहा, ये देखो ये निकाले का फैशन वाला प्याजी कलर का सूट, ये नानी आप निकाले पहनेगी, मैं कहता हूँ नानी का आप ड्रेस चेक करें जी, अंकल अमीन भी दुआएं देंगे ऊपर से बैठ गया, अंकल अमीन चो तो दुआएं देंगे, देख मेरी बीवी क्या क्या पहन रही है, देखो जरा पूरी पूरी भाई वाह, निकाह की फुल तैयारी है, और वलीमे की तैयारी क्या है, तैयार का मेकअप हुआ होगा आयशा, नानी की वलीमे की तैयारी क्या है, वलीमे की ये वाला सूट होगा, नानी वैसे चादर आप सही लेकर आई है क्योंकि वासी में फैसला पास से जरूरत पड़ेगी चादर, वलीमे में ना ये निकाह जो है नहीं वलीमे जो भी हो ना प्रोग्राम, ये तो बिल्ली रहा उससे मिलता जुलता, अच्छा इसकी शर्ट ऐसी है, निकाह कोल इस वक्त नानी जो है फुल फैशन में टड़ंग टड़ंग, और नानी क्या लाइए छुपा छुपा कर दिखा दें आप, क्या लाइए असलम भाजी, ये देखें आपका सूट सिलवा दिया है हमारी नानी अम्मी ने, मम्मी ने ये देखें ये देखें, ये आप जो है जो आएगा ना परसों निकाह शाम में उससे पहन लीजिए, मेरा ऐसा तो नहीं है, मेरा ही हाथ आ रहा है, इसका हाथ ही नहीं आ रहा, बस अब तुम रहने दो, छोड़ दो, चेक बन गया ना, अब छोड़ दो, गुस्से वाली मेहंदी टेक नहीं लगानी,
दुल्हन को लग रही है मेहंदी, मेहंदी लग गे रे, और अलीशा बीबी जो हैं मेहंदी लगा रही हैं और फुल फोटो शूट चल रहा है इस वक्त। और मेहंदी वाली खास करके अपने कराची से, हमने खास कराची से बनवाई है, जहाज का टिकट दे गए, जहाज पे स्पेशली बुलवाया गया इसको। जहाज के अंदर नहीं, हेलीकॉप्टर छत के ऊपर आया था हमारे। हाँ जी, जहाज से बिठाया और वो जहाज जो है वो खेतों में से होता हुआ आया है और 24 घंटे तक पहुंचा है वो जहाज। आप बोले क्या बोलेंगे इस बारे में? तो आधा कराची तेरे पास आ जाए, सीखी नहीं हुई किराए में। यार लगे आराम से करो, भले रात तक लगे, सुकून करन, खेन पीन, थोड़ा रिलैक्स करन। पंजा तला भी रखवाए रहे हैं इधर, दुल्हन को पता नहीं है, दुल्हन पाँव के तले के नीचे भले वो आम चटाई भी लगवा ले, चटाई ये वाले कौन हाथों पे, पाँव पे तो वही आम से ही लगवानी है, हाथों के लिए मैंने कौन ये मंगवाई क्योंकि अल्लाह कहे तो वो ना रही है इनके, मतलब अच्छनो कलर अच्छनो ही गारंटी वाली है। मेरी भी मेहंदी का कलर आया था बिल्कुल पीला, फिर रात हुई ना बिल्कुल हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी की तरह, फिर वही सेका है। तो मैंने कहा कि इससे लगवानी है, ये खुद ही लगा लेंगे, ये दिमाग से आते हैं ना, अभी कल परसों परसों रात को दुल्हन लगा गया ये ना। मेहंदी वाली चेंज हो गई है, कौन है जनाब ये मेहंदी वाली, क्या नाम है आपका? मेहंदी वाली इंट्रोडक्शन कराए अपना आप। ये जनाब दरबार मेहंदी वाली, इनको हमने समंदर के जहाज का टिकट भेजा था पर इनको पैदल आना पड़ा। काफी हद तक कंप्लीट हो गई है, 8 घंटे लग गए। 8 घंटे में अलीशा और साथ कौन कौन था? एमन, एमन भी इसके साथ शामिल थी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दुल्हन को लगी मेहंदी, टिड़ 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 दिखाए मेहंदी मेहंदी मेहंदी, माशाल्लाह। ये देखे वो भाई दिल तो देखे, अभिनंदन। मैं ख्वाब में आपको ये वीडियो भेजता हूँ। बाकी काम अल्लाह, बाकी काम अल्लाह के वाले। इसका मतलब ओ भाई मेरी आर्टिस्ट लगाया, ये 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 मेरी आर्टिस्ट अंदर से निकल रहा है। आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम है? ऐसे साथ शक्ल बुला दो, चले जाते हैं। ये देखें बालों में फर्क नहीं है भाई, कटिंग भी सेम है। बाकी सिकाई वेकाई की नहीं थी, हक़ महर मुअज्जल यानी कि जो फौरी अदा किया जाएगा जेवर की सूरत में, आप बेटा कबूल करते हैं इस निकाह को? काफ़ी एक दफ़ा ही काफ़ी होता है, बस ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह ताला जो है आपके लिए आसानियाँ फरमाए, कल फिर इंशाल्लाह जो मस्जिद में होगा, छोटा सा कुछ अगर छोटी सी अगर देना है हल्का सा कुछ निकाह के हवाले से कोई चीज़, क्योंकि जमा है सारे, कल करेंगे। चले ठीक है, ये जो वक्त होता है ये इंसान जब शादियों की गहमा गहमी में मसरूफ होता है ना, तो उसमें लाजवाबी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब सबसे ज़्यादा एहसास है कि अल्लाह को याद किया जाए और अल्लाह से खैर मांगा जाए, क्योंकि ये ऐसा एक घर का एक ख़ानदान वजूद में आने वाला है, वह आप एक ख़ानदान में जाने वाले हो, तो इसमें ज़्यादा है कि अल्लाह से ताल्लुक़ है। ठीक है, अब ये ना कि नमाज से निकल रही है ये निकल, अल्लाह से दुआएं करते हैं, जितनी कोशिश हो दिल में दुआएं मांगते रहें, मांगते रहिए, ज़्यादा ज़रूरी। इंशाल्लाह कल फिर हम लोग आपके लिए आसानियाँ फरमाएँ, आपके लिए अल्लाह ताला करें,
पहले आप कर रहे हैं आपका जो ना ये यहाँ पर यसरत जी नंबर दो ये नहीं चल रहा पेन से बिल्कुल चल रहा बीच में वो कर रहा है दबा के करना पड़ेगा हाँ हो गया पेन भी बिचारा सीधा हो गया थोड़ा नीचे रखिए पढ़ के लिखना अब वो सर मेरे साइंस से वो कर रही होगी ना कि बाप का हुआ था पीछे ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا برياني كراچي کی برياني کھائیں گے آپ لوگ یہاں پر یہ نہیں یہ آپ اس پہ سے نکالیں उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये फन से भरा हुआ मेहंदी और निका का व्लॉग पसंद आया होगा खास तौर पे हमारी नानी नानी ने जो एंजॉय करवाया मैं कहता हूँ औसम उन्होंने तो चार चांद लगा दिए मेरी इस वीडियो को तो उम्मीद करते हैं आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे जी हाँ निका और हमारा वलीमे का सफ़र अभी बाकी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।